नमस्कार दोस्तों, बच्चे ने भी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो यार मेरे पास दो तीन क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं कि लोग ये पूछते हैं कि हमारे पास STCW सर्टिफिकेट है तो हम क्या शिप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, या हम डायरेक्ट बिना पैसे दे के डायरेक्ट शिप ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। ये दो तीन क्वेश्चन कई लोग के डाउट क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। तो मैं बता दूँ यार, बेसिकली आपके पास CDC होगी, कोई भी CDC होगी, तभी आप कोई शिप ज्वाइन कर सकते हो। बिना CDC के आप कोई शिप नहीं ज्वाइन कर सकते हो। लोग यही मैसेज करता है कोई कोई कि STCW सर्टिफिकेट है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। तो STCW सर्टिफिकेट के साथ आपके पास CDC होगी तो ही आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी CDC होगी, चाहे इंडियन हो, पनामा हो, बेलीज हो, लाइब्रेरियन हो, कोई भी CDC होगी तभी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे आप बिल्कुल नहीं ज्वाइन कर सकते हो। तो कई लोग का डाउट है कि क्या डायरेक्ट कोई हो सकता है कि नहीं और ऐसे हो नहीं सकता। तो मैं बता दूं यार, बिल्कुल नहीं होता ऐसा डायरेक्ट। अगर आप जाना चाहो कहीं पे भी शिप पे जाना चाहो डायरेक्ट, कि आप सोचो कि पैसे किसी को दे के हम डायरेक्ट शिप पे चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। एक CDC प्रोसीजर होता है, एक CDC आपके को मिलती है जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है। अगर जब तक आपके पास CDC नहीं होगी तो आपको स्टैम्प किस में मिलेगा? जो स्टैम्प होता है वो CDC पे ही लगता है कि शिप कितने GRT का है, कौन सा वेसल है, नाम क्या है वेसल का, किस कंट्री का फ्लैग है वेसल पे। तो मेन बेसिकली CDC यूज़ इसीलिए होता है कि जो कंपनी में आप स्टैम्प लगा रहे हो तो वो बराबर मास्टर लगा के देता है कि हाँ ये वेसल पे चढ़ा ये लड़का, ये GRT का था और कौन सी रैंक पे चढ़ा है। तो तीन कॉलम रहते हैं उसमें अंदर, तो इसीलिए आता है काम। अगर CDC ही नहीं होगी तो फिर आपको स्टैम्प कहाँ मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस किस में गिना जाएगा। बेसिकली यार आप लोग का जो भी है क्लियर, तो मैं बता दूँ CDC मस्ट होता है। CDC होगा तो ही आप ज्वाइन कर सकते हो, तो CDC नहीं है तो फिर कैसे ज्वाइन करोगे ये बताओ। तो मैं बता दूँ, कोई भी जिसने भी पूछा था भाई, जो भी हो इसको मैं बता रहा हूँ कि CDC आपको होना है, होएगा तभी आप ज्वाइन कर सकते हो कोई भी वैसे। अगर CDC नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप इंडियन ले लो, पनामा ले लो, बेलीज ले लो, कोई भी CDC हो तब तक आप शिप नहीं ज्वाइन कर सकते जब आपके पास CDC नहीं होगी। तो STCW के बेस पे कोई नहीं ज्वाइन कर सकता शिप, चाहे क्रूज शिप हो, कोई भी टैंकर्स हो, या बल्क कैरियर्स हो, रोरो हो, कोई भी वेसल पे आप जाओगे तो आपको CDC मांगेगा कौन सी नेशनलिटी के आप हो तो मांगता है। और साइड में STCW तो मस्ट होता है क्योंकि वो ज़रूरी होता है शिप ज्वाइन करने के लिए। तो बेसिकली मेन डॉक्यूमेंट आपका CDC ही है, जो शिप के उसके बिना आप शिप नहीं ज्वाइन कर सकते। तो आप लोग जो भी पूछ रहा था यार, मैं बता दूँ CDC इंपॉर्टेंट है तभी आप शिप ज्वाइन कर पाओगे, वरना ऐसे शिप नहीं मिलती आप लोगों को। कोई भी अगर सोचो शिप ज्वाइन कर ले तो ऐसे नहीं कर सकते आप, CDC एंड पासपोर्ट मस्ट है अर्जेंट में जाने के लिए। सो यार जिस दोस्त ने पूछा था उसका डाउट क्लियर हो गया होगा जितना मैंने बता दिया। तो जो भी होगा इसके रिलेटेड क्वेश्चन मेरे कमेंट में कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।